हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डी मोरगेस थ्योरम चैप्टर प्रिमिटिव रूट्स ऑफ यूनिटी. द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एक एग्जांपल हम यहाँ पे एक देखेंगे. शो दैट ईच प्रिमिटिव एट्थ रूट ऑफ यूनिटी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. ठीक है, ये तो बात की बात है कि कौन सी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करती है, कौन सी को नहीं करती है. पहले तो आपको ये देखना है प्रिमिटिव एट्थ रूट ऑफ यूनिटी, पहले तो वो होते क्या है प्रिमिटिव एट्थ रूट ऑफ यूनिटी. आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो चीज़ देखते हैं. ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका. देखिए, सबसे पहले लोगे आप लेट साई दैट इज इक्वल टू, क्योंकि प्रिमिटिव एट्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है तो आप क्या ले लोगे सिस टू पाई बाय एट. जाई की वैल्यू क्या ले लोगे सिस टू पाई बाय एट, तो या फिर आप इसको लिख सकते हो जाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ टू पाई बाय एट प्लस आयोटा साइन टू पाई बाय एट. ये तो हमने किया ही हुआ है ना, सिस को कैसे लिखते हैं, तो 2 पाई बाय 8 इस तरह से आपने लिख लिया. उसके बाद इसके आपको प्रिमिटिव एट्थ रूट निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, जाई पावर 8 पहले आप चेक करोगे, तो ये होगा कॉज ऑफ 2 पाई बाय 8 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 8, इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी 8. तो जब आप इसके ऊपर डिमोवरेस अप्लाई करोगे तो ये 8 जो है ये अंदर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, दैट इज़ इक्वल टू, जब आप इस 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ये 8 और 1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 2 पाई. तो ये आपका आ जाएगा कॉज ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, दैट विल बी इक्वल टू कॉज 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस आयोटा साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, दैट विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, जाई आपने लिया, जाई 8 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 आ गई. ओके, ये दो स्टेप्स आपने किए. फर्स्ट आपने क्या किया, जाई की वैल्यू ले ली सिस टू पाई बाय एट, बिकॉज आपको एट्थ रूट निकालना था, प्रिमिटिव एट्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना था तो आपने 8 ले लिया. ठीक है, तो आपने जाई की वैल्यू इस तरह से लिख ली, क्यों, बिकॉज हम सिस को लिखते हैं कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, आपने इस फॉर्म में लिख लिया और जाई पावर 8 जो है वो हमने चेक कर ली तो हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई. ओके, नाउ बाकी जो प्रिमिटिव रूट्स हैं प्रिमिटिव एट्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होंगे, देखिए, देयर फोर फोर पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव इंटीजर के लेस देन 8 जाई पावर के इज प्रिमिटिव एट्थ रूट ऑफ यूनिटी कब होगा प्रिमिटिव एट्थ रूट ऑफ यूनिटी, इफ एंड ओनली इफ GCD of K and 8 is equal to 1. ठीक है, जब K और 8 की GCD 1 होगी तभी ये क्या होगा कि जाई पावर K जो है वो होगा इसका प्रिमिटिव रूट होगा, प्रिमिटिव 8th रूट ऑफ यूनिटी. इसका प्रिमिटिव रूट कब बनेगा, जब ये K और 8 की जो GCD है वो 1 हो जाए. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफोर K की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या आएंगी, K की वैल्यू हमने वो लेनी है जिससे ये 8 डिवाइड, जो 8 को डिवाइड नहीं कर पा रहा, 8 की कटिंग ही नहीं हो पा रही. जैसे कि मैंने 1 ले लिया तो 1 तो कॉमन है, 1 तो मैंने ले ही लिया, उसके बाद मैं 2 लूँगी क्योंकि 2 है, 8 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कटिंग हो रही है, तो मैं 2 नहीं ले सकती, तो मैं 3 ले सकती हूँ, हाँ जी कटिंग नहीं हो रही है, 4 ले सकती हूँ, नहीं ले सकती, 5 ले सकती हूँ, येस, इससे छोटे जितने ले सकती हूँ, मैं 6 ले लूँ तो ये इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, ये कटआउट भी हो रहे हैं तो ये नहीं ले सकती. ठीक है, नेक्स्ट मैंने ले लिया 7 ले लिया, जो नंबर्स कट रहे हैं ना 8 के साथ वो नहीं आप ले सकते, तो आपने नंबर्स कौन कौन से ले लिए, 1, 3, 5 एंड 7. ठीक है, तो आपको रूट्स कौन कौन से मिल गए, देयरफोर एक तो बन गया जाई, एक आपका बन गया जाई की पावर 3 और एक आपका बन गया जाई की पावर 5 और नेक्स्ट आपका बन गया जाई की पावर 7 आर. ये रूट्स कौन से बन गए, आर प्रिमिटिव एट्थ रूट्स ऑफ यूनिटी. निकालने आगे कि कैसे निकालेंगे प्रिमिटिव रूट्स ऑफ यूनिटी, यहाँ पे 8 दिया था, यहाँ पे n दिया हो सकता है, यहाँ पे 7 दिया हो सकता है, यहाँ पे 6 दिया हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को चेंज करोगे. अगर यहाँ पे 6 दिया होगा तो आप कॉस टू सिस टू पाई बाई 6 लोगे, कॉस टू पाई बाई 6 लिखोगे, यहाँ पे 6 आएगा और देन इस तरह से अगर
नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, उसकी पावर 6 को चेक करोगे, इस तरह से करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें 8th रूट गिवन थे तो हमने 8 के साथ इसको किया, और हमारे पास क्या है कि 4 पॉजिटिव इंटीजर के इज़ लेस देन 8, जो जाई के है ये एक प्रिमिटिव रूट कब बनेगा, जब इन दोनों का जो जीसीडी है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो के की वैल्यूज़ आप कैसे लोगे, जिसकी कटिंग नहीं हो रही है 8 के साथ, उससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं जो 8 के साथ कट नहीं हो रहे हैं वो नंबर्स आप ले लोगे। तो ये सारे नंबर जो हैं ये क्या हैं, प्रिमिटिव 8th रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट देखते हैं हम क्या चेक करना है। शो दैट ईच प्रिमिटिव 8th रूट ऑफ यूनिटी सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस। ठीक है, जितने भी प्रिमिटिव 8th रूट ऑफ यूनिटी हैं वो इसकी कौन सी इक्वेशन बना रहे हैं, ये वाली इक्वेशन बना रहे हैं। अब चेक करते हैं, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कर दूँ x माइनस जाइव वन, एक्स माइनस जाइव क्यूब, x माइनस जाई पावर 5, और इनको सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, x इज टू पावर 4 प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है तो ये इक्वेशन आएगी। चलिए चेक करते हैं, पहले हम क्या चेक करते हैं, जाई का तो हमें पता ही है कि हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ 2 पाई बाई 8, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 8, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉज ऑफ पाई बाई 4 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट रूट कौन सा है, जाई पावर, नेक्स्ट रूट है जाई पावर 3, तो ये चेक करते हैं, जाई क्यूब, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जाई पावर 3, तो ये आपका है कॉज ऑफ पाई बाई 4 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 4, इसकी पावर कितनी 3, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, कॉज ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस अयोटा साइन 3 पाई बाय 4। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपने चेक करना है जाई पावर 5, तो जाई पावर 5 किसके इक्वल होगा, जाई की पावर 8 और जाई की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई में, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, जाई की पावर 8 और जाई की पावर माइनस 3, जाई की पावर 8 कितनी है 1, तो जाई की पावर माइनस 3 किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू कॉज ऑफ 3 पाई बाय 4, क्योंकि देखिए ना जाई की पावर 3 जो है वो इसके इक्वल है, तो इसकी पावर माइनस 3 जो है वो इसकी पावर माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस अयोटा साइन 3 पाई बाय 4 और इसकी पावर क्या, माइनस 1। अब ये जो माइनस 1 है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा इस थीटा के साथ, तो यहाँ पे देखिए मुझे इतनी चीज़ पता है कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल, और साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मुझे पता है, तो जब इस माइनस 1 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4, बिकॉज ये कॉस का तो चेंज नहीं होगा, साइन का चेंज हो जाएगा, तो साइन में यहाँ पे साइन जो है वो माइनस थीटा में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो माइनस है वो मैं यहाँ पे ही साथ में लगा देती हूँ, और यहाँ पे मेरा क्या चेंज आ गया, साइन 3 पाई बाय 4। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जाई पावर 7, ठीक है, इसकी चेक करनी है, तो जाई पावर 8 इंटू जाई पावर माइनस 1, यही लिख सकते हैं हम इसको, जाई पावर 8 जो है वो 1 हो चुकी है। ठीक है, जाई पावर 8 ये तो हमें पता है कि 1 है, तो जाई पावर माइनस 1 जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जो जाई पावर 1 है यानी कि ये जो चीज़ है इसको मैं पावर माइनस 1 कर दूंगी, तो ये कॉस थीटा जो है वो ये थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, और ये यहाँ पे माइनस थीटा बनेगा तो साइन माइनस थीटा हो जाता है, तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, कॉस पाई बाय 4 माइनस अयोटा साइन पाई बाय 4, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस अयोटा साइन पाई बाय 4। क्लियर हुई इतनी चीज़। अब मेरे पास किस सबकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, जाई 1 की भी, 3 की भी, 5 की भी और 7 की भी, ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मैं 8 बनाती हूँ, देखिए 1 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो 8 बन रहा है, 5 और 3 को अगर मैं प्लस करूँ तो 8 बन रहा है, तो 8 वाली मैं बना लेती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लेती हूँ, जाई पावर 1 प्लस जाई पावर 7, तो ये क्या था मेरे पास, कॉज ऑफ पाई बाय 4 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 4, जाई पावर 1 यही था कॉज ऑफ पाई बाय 4 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 4, और ऐसे ही हमने 7 की वैल्यू भी निकाल ली हुई है, प्लस कॉज ऑफ पाई बाय
फोर माइनस अयोटा साइन पाई बाय फोर, और यहाँ से ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके कैंसिल आउट हो चुकी हैं और आपके पास बचेगा टू कॉस पाई बाय फोर, और टू कॉस पाई बाय फोर किसके इक्वल आ जाएगा, टू कॉस पाई बाय फोर वन ओवर रूट टू, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू रूट टू। ठीक है, और देन आपको क्या चाहिए, ज़ाई पावर फाइव प्लस ज़ाई पावर थ्री। ठीक है, ये जो सेंटर वाली दो पावर्स थी जो दो हमने निकाले थे, इन दोनों को आपने प्लस करना है, कॉस थ्री पाई बाय फोर अयोटा साइन थ्री पाई बाय फोर, कॉस थ्री पाई बाय फोर माइनस अयोटा साइन थ्री पाई बाय फोर, कॉस थ्री पाई बाय फोर माइनस अयोटा साइन थ्री पाई बाय फोर प्लस कॉस थ्री पाई बाय फोर प्लस अयोटा साइन थ्री पाई बाय फोर। अब भी क्या होगा, ये दो वैल्यूज जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपका आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू टू कॉस थ्री पाई बाय फोर। ठीक है, अब कॉस थ्री पाई बाय फोर देखिए, ध्यान से देखना इस चीज़ को, कॉस थ्री पाई बाय फोर को यहाँ पे वैल्यू होती है, ये सारा है पाई। ठीक है, कॉस थ्री पाई बाय फोर लाई कहाँ पे करेगा, देखिए ये टोटल पाई है, अगर मैं पाई माइनस पाई बाय फोर करती हूँ तब मुझे मिलता है थ्री पाई बाय फोर। ठीक है, पाई बाय फोर जो एंगल है वो तो यहाँ पे कहीं बन जाएगा, पाई बाय फोर तो यहाँ कहीं बन जाएगा, तो यानी कि मुझे ये वैल्यू जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रही है, थ्री पाई बाय फोर की वैल्यू की बात हो रही है ये यहाँ पे, तो ये टोटल यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे तो पाई पे जाके ये ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो थ्री पाई बाय फोर है वो यहाँ लाई कर रहा है, यानी कि ये एंगल जो है ये थ्री पाई बाय फोर बन रहा है। ठीक है, मुझे चाहिए कॉस थ्री पाई बाय फोर की वैल्यू, और क्योंकि ये वैल्यू जो है ये कहाँ लाई कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये एंगल जो है ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव, और यहाँ पे होता है कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन या कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे मुझे कॉस की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, और मुझे क्या चाहिए, कॉस ऑफ पाई बाय फोर की वैल्यू। ठीक है, कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू चाहिए, तो कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू यहाँ पे मुझे नेगेटिव मिलेगी, और क्या वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू टू कॉस पाई बाय फोर, ये माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू टू, दैट इज माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टू, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू। क्लियर होगी इतनी चीज, ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू। ठीक है, अब आपको ये प्लस की ये वाली वैल्यू भी मिल गई और ये वाली वैल्यू भी मिल गई। अगर अब आपको निकालनी है इक्वेशन, अब इक्वेशन हमारे किसके इक्वल होगी, हमारे रूट्स आ चुके हैं जाई जाई थ्री जाई फाइव एंड जाई सेवन, ये हमारे रूट्स आ चुके हैं। अब इन रूट्स के साथ हमने इक्वेशन निकालनी है, तो वो इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस जाई एक्स माइनस जाई थ्री एक्स माइनस जाई फाइव एक्स माइनस जाई सेवन, ये इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये जो दो हैं इनको हम एक साथ ले लेते हैं, बिकॉज इनकी हमने जो सेवन है और वन है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारा कुछ सेटिंग बन सकती है, तो यहाँ पे हम जाई वन एक्स माइनस जाई सेवन इसको हम एक साथ ले लेते हैं और एक ब्रैकेट में हम इनको रख लेते हैं। ठीक है, बिकॉज ये एट बन रहा है ना इनका, तो हमने इनको प्लस भी किया है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ भी हैं, तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा, पहले आप एक्स को मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, देन जाई पावर सेवन एक्स, देन नेक्स्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस जाई एक्स प्लस जाई वन इंटू जाई सेवन। क्लियर, और देन नेक्स्ट हम इसमें भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जाई पावर फाइव एक्स माइनस जाई पावर थ्री एक्स प्लस जाई थ्री जाई फाइव। क्लियर हो गया, और यहाँ पे ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स जो है वो मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, तो जाई पावर सेवन प्लस जाई पावर वन प्लस ये बन जाएगा जाई पावर एट, बिकॉज वन प्लस सेवन एट, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आई थी, दैट वाज वन, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जाई, एक्स कॉमन निकाल लोगे तो जाई पावर फाइव प्लस जाई पावर थ्री प्लस ये यहाँ पे फिर अगेन वन आ जाएगा, फाइव और थ्री एट, और आपने एट की वैल्यू क्या निकाली थी, वन निकाली थी।
ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे निकाल चुके हो, 1 और 7 की, 1 प्लस 7 की यहाँ पे आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये देखिए 1 प्लस 7 की हमने वैल्यू निकाली थी, इसीलिए निकाली थी, आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 5 और 3 की आई थी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 1 और 7 की क्या आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ पे हम वही वैल्यू लिख देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स प्लस 1, और साथ में आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये इसकी वैल्यू क्या आई थी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये माइनस जो है इस माइनस को प्लस बना देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में रख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x। ठीक है, ऐसे ही रख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये यहाँ पे प्लस है स्क्वायर रूट ऑफ 2x। अब इसको ध्यान से देखिए, ये आपके पास बन रहा है ए बी ए बी, तो इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी, और ये आपके पास बन रहा है ए प्लस बी, तो आपके पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको मैंने ओपन कर दिया, और इसकी वैल्यू, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास इक्वेशन बचेगी एक्स इज टू पावर 4 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन विद रूट्स ज़ाई 3 ज़ाई 5 एंड ज़ाई 7 इज एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। अगर कहीं पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये चीज़ आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी बहुत सारी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।